पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छूले आसमा संस्था की ओर से एक एक्टिविटी गोल्ड जिम में की गई। इस एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया कि हमारी असली पूंजी स्वस्थ काया है। इसमें सभी का मार्गदर्शन राजीव पाल के द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी को ये बताया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी हेल्थ है। आपने कहा कि इसके लिए हमें हमेशा काफी अनुशासित और नियमित रहना चाहिए, इसलिए हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता हम खुद होने चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि जो नवयुवा जो अपने भविष्य को एक एथलेटिक के रूप में देख रहे हैं और अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशांत केसरी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव पाल मौजूद रहे। सबसे पहले मैं भैया का परिचय देता हूँ। इस वक्त पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ पे जिम में हूँ और आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ छूले आसमा संस्था की ओर से। लेकिन जो मुझे अपने बॉडी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, जो मैंने यहाँ पे आके दूर करे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होना भी चाहिए हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए कि हमारी जो असली पूंजी है वो हमारा स्वस्थ शरीर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए लेकर हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में जो राजीव भैया हैं, आप एक तो IT डिपार्टमेंट में हैं, दूसरा एक 20 वर्षों से कम लगातार यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पर सिर्फ इसी जिम के माध्यम से लोगों को और कई एथलेटिक जो हमारे नेशनल लेवल पे खेले, स्टेट लेवल पे खेले, वो इस जिम से होते हुए गए। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस के नीचे काम करते हुए अपना एक नाम कमाया, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आज राजीव भैया के थ्रू मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी होना भी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को लेकर हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर कंटिन्यू सही है नहीं रहते हैं। तो कुछ चीज़ के गाइडेंस के लिए आपको जो राजीव भैया वो बताएंगे, छोटे छोटे टिप्स, कुछ मशीनों के बारे में भी बताएंगे किस तरीके से इसका यूज़ है, कहाँ इसका इफेक्ट करता है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, क्लियर। तो ये आप लोग समझिएगा, उसके बाद ये और जब इंटर क्वालिफाई हो जाए, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये जिम आपके लिए हमेशा खुला हुआ भी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।